देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। सूचना मिला किसी भी केस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से तुम लोग शामिल रहे, तुम्हारे भाई भतीजे शामिल रहे, अड़ोसी पड़ोसी शामिल रहा, दोस्त यार शामिल रहा, ठीक है, तो इतना ही मना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से हो रहे अपराधों से जनता खौफ में है। इस डर की वजह बने गुंडे बदमाशों की रायपुर पुलिस ने शनिवार शाम परेड करवा दी। उन्हें थानों में बुलाकर जमकर फटकार लगाई गई। इन अपराधियों की परेड लेते एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोतवाली के CSP योगेश साहू बदमाशों को कड़े लहजे में चेतावनी देते दिख रहे हैं। CSP योगेश साहू ने आसपास के इलाकों के 25 के करीब गुंडे बदमाशों को थाने बुलाया, जिसने भी आनाकानी की, उन्हें जीप में बैठाकर थाने लाया गया और एक किनारे खड़ा करवा दिया। ये सभी वे बदमाश हैं जो अपने इलाके में चाकूबाजी, मारपीट और गुंडई दिखाकर रौब झाड़ते हैं। पुलिस अफसर के इस कड़े तेवर को देखकर बदमाशों को ये बात समझ आ गई कि चुपचाप कान पकड़कर खड़े रहो। फिर CSP ने उन्हें चेताते हुए कहा कि अभी त्योहार और चुनाव का समय है, यदि तुम में से कोई भी किसी भी मैटर में शामिल मिला या तुम्हारे दोस्त यार या भाई भतीजे शामिल मिले तो ठीक नहीं होगा, अति करोगे तो मैं नाप दूंगा। उन्होंने कहा कि तुमको सबको ये बात क्लियर बता देता हूँ कि जितना चाकूबाजी और मारपीट करते हो ये सब मैं निकाल के रख दूंगा, फिर इस बार सीधे जिला बदर की कार्यवाही होगी। कहा कि यदि कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अपने नाम के दम पर जुर्म करेगा, गैंग बनाएगा तो तुम समझ ले। पुलिस अफसर की बात सुनकर बदमाश चुपचाप जमीन घूरते थे। रायपुर पुलिस ने गणेश उत्सव के बहाने इलाके में गुंडई करने वाले सभी नए पुराने बदमाशों को थाने में इकट्ठे किया। 250 से अधिक नामजद बदमाश पुलिस के बुलावे पर थाने पहुंचे। फिर उन्हें थानेदारों ने समझाते हुए शांति से जीवन जीने के लिए चेताया। साथ ही उन्हें कहा गया कि जब भी हम बुलाएं फौरन आ जाना और कानून व्यवस्था में सहयोग करना।